हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 3 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बच्चों बहुत ही आसान सी वर्कशीट है जिसमें आप फिर से कुछ नया सीखोगे। और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉयल। सॉयल में बच्चों जब न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो उनको हम किस तरह से रिप्लेनिश करते हैं, कैसे उनकी पूर्ति हम सॉयल में करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो बेटा आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आप गार्डनिंग करते हो, आपके पास गमले हैं, तो क्या होता है कि समय समय पर जो मिट्टी है उसको न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं। और अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो हम क्या डालते हैं, हम उसके अंदर मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, है ना। तो आज की इस वर्कशीट में हम यही बातें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। राधिका ड्यूरिंग हर विजिट टू अ नियरेस्ट क्रॉप फील्ड सो फार्मर्स वर स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। सो राधिका जो है जो नियरेस्ट क्रॉप फील्ड में विजिट करने गई थी तो उसने देखा कि वहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फर्टिलाइजर्स फील्ड के अंदर स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है। सी सॉ द सेम इन द गार्डन वेयर गार्डनर वॉज यूजिंग मेन्योर इन लॉन्स और इन द पोर्ट्स। सी वंडर्ड व्हाई दे आर डूइंग सो। सो उसने देखा कि गार्डन में भी जो गार्डनर है, जो माली होता है, वो भी लॉन्स में और जो पोर्ट्स होते हैं बेटा गमले, उनके अंदर क्या डालता है, उनके अंदर भी वो फर्टिलाइजर या मेन्योर डालता है। सी वंडर व्हाई दे आर डूइंग सो। तो अब उसको ये क्वेरी हुई उसकी कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है। उससे उनका क्या जो है प्लांट्स को क्या बेनिफिट है। आपने भी बच्चे आपके घर में जो पॉट्स हैं या आपके घर में गार्डन है या फील्ड है तो उनमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह से उसमें मेन्योर डाला जाता है ताकि जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकें। अब बेटा फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं। फर्टिलाइजर्स दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस। फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। जो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और ये फैक्ट्रीज में बनते हैं। And these are mainly rich in nitrogen, phosphorus and potassium. ये रिच होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम से। ठीक है। ये तीनों चीज़ें फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट में मिलती हैं। नेक्स्ट इज मेन्योर। मेन्योर क्या है, दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। बेटा मेन्योर क्या होते हैं, मेन्योर आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है। एंड ये किससे मिलेंगे मेन्योर, जो प्लांट के पार्ट डिके कर जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं, या जो एनिमल एक्सक्रीटा लाइक डंग, काउ डंग है। ठीक है। तो जो एनिमल एक्सक्रीटा है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है एनिमल्स का, वो जो है सब डिकम्पोज होके क्या बनते हैं, दे फॉर्म मेन्योर और उससे प्लांट्स को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। नाउ प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल। अब प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल सो फॉर देयर गुड ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। तो अपनी ग्रोथ और हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ जो है प्लांट्स की रहे, इसलिए उनको मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सो द अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग इन द सॉयल। सो लगातार बेटा प्लांट्स एब्जॉर्ब करते रहते हैं, इसलिए क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अमाउंट वो डिक्रीज करता रहता है। ठीक है। फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एटसेट्रा। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉयल। बेटा फर्टिलाइजर और मेन्योर्स, इनके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो इसलिए ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, मेन्योर्स हैं, इनको टाइम टू टाइम सॉयल के अंदर डालना होता है ताकि जो प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अमंग ऑल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन इन लार्ज अमाउंट। दो नाइट्रोजन इज इन प्लेंटी ऑफ एयर बट प्लांट्स कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली। अब देखिए बेटा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो नीड है, लार्ज अमाउंट में सबसे ज़्यादा नीड किसकी है प्लांट को, वो है नाइट्रोजन। लेकिन
अब नाइट्रोजन जो एनवायरनमेंट में है वो जो है काफी है, दैट इज प्लेंटी इन एयर, 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर, बट प्लांट्स यहाँ पर इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था कि जो लीव्स होती हैं उसके अंदर स्टोमेटा होते हैं जिनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड की तरह एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, और उनको चाहिए भी नाइट्रोजन, ठीक है, वो भी लार्ज अमाउंट में। फिर क्या करेंगे, सो दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, तो उनको नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में चाहिए, सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए। नाउ द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम विच लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम पीज मूंग बीन्स एंड अदर लेग्यूम कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इन टू अ सॉल्यूबल फॉर्म। अब बेटा जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कहाँ रहता है, लीव्स इन द रूट ऑफ ग्राम पीज, जो भी जो हमारी लेग्यूम जो क्रॉप्स होती हैं उनकी रूट्स में, लेग्यूम क्रॉप्स लाइक ग्राम पीज मूंग हैं बीन्स हैं, ठीक है, जितनी भी जो दालें हैं, सो इन सभी जो यहाँ पर प्लांट हैं इनकी जो रूट्स हैं, इनकी रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनकी रूट्स में बेटा नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के नोड्यूल्स जो हैं गांठ जिनको हम कहेंगे, नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन उसको जो है क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। और इस तरह से जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब जो मोस्टली जो दाल हैं पल्सेस हैं वो सब किससे मिलती हैं, वो सब लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं, इसीलिए बेटा जो दाल होती हैं उनमें प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं और नाइट्रोजन से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है, इसीलिए जो दाल होती हैं पल्सेस होती हैं उनमें प्रोटीन जो है वो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। राइजोबियम कैनोट मेक इट्स ऑन फूड। अब राइजोबियम जो है वो अपना फूड वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता। दीज प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब उसको फूड भी चाहिए शेल्टर भी चाहिए, तो वो उसको कौन प्रोवाइड कराएगा, प्लांट जो है उसको फूड एंड शेल्टर वो प्रोवाइड कराएगा। एंड दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि किस तरह लाइकेन के अंदर जो फंजाई है और जो एल्गा है, ठीक है, तो उन दोनों में क्या था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था। यहाँ पर भी राइजोबियम और प्लांट्स के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। प्लांट जो है वो राइजोबियम को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड कराएगा, और इसके बदले जो राइजोबियम है वो प्लांट को नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में प्रोवाइड कराएगा। सो दिस रिलेशन इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट। ये टू ऑर्गेनिजम्स के बीच का एक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों का फायदा होता है, दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा जो आपको फिल करने हैं, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो आपको एक डिफरेंस लिखना है बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो ये बेटा डिफरेंस आप लिखेंगे, ये है फर्टिलाइजर एंड ये है मैन्योर। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बेटा आप मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन, द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स एंड, सो थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं फॉर प्लांट्स, दे आर नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सो नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों जो है बेटा आप यहाँ पर फिलअप में फिल कर देंगे, ये क्वेश्चन नंबर टू का आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री,
व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन हमने अभी समझी है क्या होती है, लास्ट वर्कशीट में भी समझी थी. सो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर्स? जो प्लांट्स को जो है फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर्स की नीड क्यों होती है? ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इसका आंसर करेंगे. हमने अभी पढ़ा दैट फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर्स दे कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस. दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉयल. सो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए सॉयल में मेन्योर और फर्टिलाइजर को डाला जाता है. तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा. तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख दीजिए. ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट. आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है. कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.